I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. So in this video we are going to talk about a very famous Keshav Nanda Bharti case. In this video I'll tell you everything about the case, what was the final judgment of the case. तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले गाइस, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को पता है चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस मिलते हैं, राइट? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, आपके जो भी दोस्त हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी जगह बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम केशव नंदा भारती की बात करें तो पहले ये आप फोटो देखिए, ये जो पर्सन है ही इज केशव नंदा भारती। This case is very famous not only in India but all over the world. अब ऐसा इस केस में क्या था, इससे पहले से मैं आपको बताऊं, पहले थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं। आपको पता है 1947 में we got freedom and after that in 1950 we adopted our constitution, right? Everybody knows about that. इसके बाद क्या होता है, जो हमारा संविधान है आप सभी को पता है, it is a living document, मतलब इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, we can change our constitution. तो इसमें जो पहला चेंज जो हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो 1952 में किया गया। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये किस बारे में था, इट वॉज अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश करके गवर्नमेंट लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, अमेंडमेंट आया, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, सरकार को चैलेंज किया गया लैंड रिफॉर्म पे। कैसे चैलेंज किया गया, जैसे मान लीजिए किसी के पास अपना पर्सनल लैंड है, तो आफ्टर द लैंड रिफॉर्म नाउ व्हाट ही विल हैव टू डू, ही विल हैव टू गिव अप हिज लैंड। लेकिन हमारे संविधान में एक राइट था जैसे बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, अभी ये राइट नहीं है लेकिन पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। तो अगर फंडामेंटल राइट है एक राइट टू प्रॉपर्टी, तो फिर इस एक्ट के अंडर, इस अमेंडमेंट के अंडर आप किसी का लैंड कैसे ले सकते हैं। तो यहां पर कंफ्लिक्ट होता था किसके बीच में, हमारे फंडामेंटल राइट के बीच में और लैंड रिफॉर्म के बीच में, मतलब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बीच में। अब इस कंफ्लिक्ट के बेस पर ही हमारा केशव नंदा भारती केस जो है वो डिजाइन होता है। तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके बेस पर ही आपका क्या बनता है, लैंड रिफॉर्म के थ्रू ये बनता है। तो बेसिकली केशव नंदा भारती केस में ओवरऑल क्या बताया गया है, क्या फंडामेंटल राइट को सरकार छीन सकती है लैंड रिफॉर्म लाने के लिए। लैंड रिफॉर्म इट इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी, अगर आप थोड़ी पॉलिटी पढ़िए तो आपको पता होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसीज। तो यही यहां पर मुद्दा आएगा अभी कोर्ट के सामने कि डीपीएसपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केशव नंदा भारती की अगर हम बात करते हैं, ये आपको बैकग्राउंड में समझ में आ गया होगा। तो केशव नंदा भारती अगर हम बात करें तो सी हेयर, इन 1970 केशव नंदा भारती फाइल्ड अ केस चैलेंजिंग द केरला गवर्नमेंट। तो इट वॉज द केस ऑफ द केरला गवर्नमेंट। क्या चैलेंज किया उन्होंने, कहा कि जो केरला गवर्नमेंट है दे आर अटेम्प्टिंग टू एक्वायर द मठ प्रॉपर्टी। अब देखो ये जो केशव नंदा भारती थे ये केरला के कैसरगोड जिले के थे और इनका एक मठ था, उसका नाम था एंडीर मठ की प्रॉपर्टी को केरला गवर्नमेंट एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। इस बात पे इनका फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, ही चैलेंज्ड दिस लॉ। किस लॉ के अंडर केरला गवर्नमेंट ले रही थी, दैट वाज द केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963, जिसको बाद में 1969 में अमेंड किया गया था। एंड दैट्स हाउ नेक्स्ट ईयर 1970 में केशव नंदा भारती जो है वो एक केस फाइल कर देते हैं केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ये जो केरला गवर्नमेंट वर्सेस केशव नंदा भारती केस है, इसी को हम लोग फेमसली केशव नंदा भारती केस के नाम से जानते हैं। ऑल्दो इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास केस जाता है, और दोस्तों अब तक की सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बेंच यहां पर बैठती है और 1973 में अपना फाइनल जजमेंट सुनाती है। ऑल्दो होता यह है कि जो केशव नंदा भारती है वो इस केस को हार जाते हैं, केशव नंदा भारती को अपनी प्रॉपर्टी गंवानी पड़ती है, लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रीन लेके आता है, वो क्या था चलिए जानते हैं। तो इन दिस जजमेंट द कोर्ट अपहोल्ड द राइट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ने यह बात बोला कि हम किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकते हैं, द सुपरमेसी ऑफ द जुडिशियरी इन इंटरप्रिटेटिंग द लॉ, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करेगी तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। यह तो पहली बात यहां बोली गई। दूसरी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस,
यहां पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो लेके आता है द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इससे पहले क्या हो रहा था, पार्लियामेंट कुछ भी बदल दे रही थी संविधान में अमेंडमेंट करके, लेकिन यहां पर कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देर आर सम बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड। उनमें से एक बेसिक फीचर आपका जो है वो फंडामेंटल राइट भी है। तो क्या फंडामेंटल राइट को कोर्ट ने हटा दिया? नहीं, कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट इज राइट टू प्रॉपर्टी इज एज पर द गवर्नमेंट, मतलब फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट ने जो कर दिया सो कर दिया, दैट्स हाउ ही लॉस्ट द केस। लेकिन अब से आप जो भी करेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, राइट। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये चीज डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम। जैसे रिसेंटली कोर्ट ने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, स्टेट सेंट्रल रिलेशन दे आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के बात ये कही गई इस केस के अंदर कि बेसिक स्ट्रक्चर इज देयर, पार्लियामेंट कैन अमेंड एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शुड नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। What is basic structure? This is defined by the court on time. Time to time decide करेगा court. तो जो 13 जज थे उनको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से, तो these were the 13 judges. And this is all about the Kesananda Bharti case. Right? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो Kesananda Bharti case क्या था, इसमें हुआ क्या, इसमें basic जो चीज़ है वो क्या चीज़ थी। ये case काफ़ी important है law students के लिए, ये case काफ़ी important है students के लिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।